एवरी वन वेलकम टू कारण क्रंट आज का हमारा वीडियो है दुर्खेम का लास्ट टॉपिक दैट इज योर रिलीजन एंड सोसाइटी मार्क्स हमारा कंप्लीट हो गया है ठीक है तो डू स्टेट इल द एंड लास्ट में हम कुछ नोट मेकिंग की बातें करेंगे कि कैसे आप मेरे वीडियोस को देख के नोट्स बना सकते हैं फाइन क्योंकि काफी कॉमेंट्स और मेल भी आया है नोट मेकिंग के रिगार्डिंग तो जिनको ये वीडियोस लंबे लग रहे हैं कि काफी ज्यादा वीडियोस देखने हैं बुकअप कंप्लीट होगी आप ये वीडियोस देखते जाओ मैं फिर रिवीजन सीरीज भी लेके आऊंगी जिसमें हम क्विकली सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो रिवाइज करेंगे आप बस ऐसे सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें डू गिव अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स यो तो लेट स्टार्ट टूडे तो इस वीडियो रिलीजन एंड सोसाइटी ठीक है तो दुर्खेम का हमारा जो बेसिक है वो सारा क्लियर है अभी तक आई होप अगर नहीं है तो आप एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है मैंने अपनी चैनल पे थिंकर्स को लेके उसमें जाएं और स्टार्टिंग के जो वीडियोस हैं दुर्खीम के वो देखें ठीक है तो दुर्खीम फंक्शनल स्कूल से बिलोंग करते थे जो अर्ली पायनीस से सोशोलॉजी के उनमें दुर्खीम का नाम लिया जाता है इनको क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट भी बोलते हैं फंक्शनल फंक्शनल स्कूल के थे तो जहाँ फंक्शनल स्कूल की बात आती है वहाँ आपको एक बेसिक आइडिया समझना है कि उन्होंने अगर रिलीजन की बात की है वो फंक्शनल पर्सपेक्टिव से की होगी अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो आपको कुछ भी नहीं पता होगा लेकिन आपको इतना पता होगा वो जो पर्टिकुलर थिंकर है वो किस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करता है ठीक है उस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थाट की वजह से आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि जो भी टॉपिक है उसने उस टॉपिक के बारे में किस तरीके से बात की होगी ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपको मार्क्स का अगर फैमिली का कुछ लिखने का आ जाए और आपको कुछ भी ना पता हो लेकिन आपको कार्ल मार्क्स पता है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के हैं तो यू गेट अ बेसिक कि उन्होंने फैमिली के बारे में भी इकोनॉमिक रिलेटेड इकोनॉमिक के अराउंड ही बात की होगी ठीक है तो फंक्शनलिस्ट आपके दुर्खेम ठीक है तो इन्होंने रिलीजन का एक हमें सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया सोशोलॉजिकली उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि रिलीजन क्या है आपके लिए और वो सोसाइटी के लिए क्या रोल प्ले करता है ठीक है तो ही इवॉल्व फंक्शन एक्सप्लेनेशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन इन द वर्ल्ड और ऑब्जर्व किया कि इट्स एग्जिस्टेंस एज अ सोशल फैक्ट एंड नॉट ए सुपर नेचुरल फिनोमिना काफी जो थिंकर uh, जो हैं सोशोलॉजी के या जनरल सोशल साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिलिजन को एक सुपर नेचुरल फिनमिना की तरह ट्रीट किया इन्होंने वो रिजेक्ट किया और बोला कि आप वैसे ही ट्रीट करो रिलीजन को जैसे आप सोश के बाकी एलिमेंट्स सोसाइटी के बाकी एलिमेंट्स को ट्रीट करते हो दैट मीनस सब्जेक्ट मैटर क्या होगा उसका उसको समझने की कोशिश करो एज सोशल फैक्ट्स सोशल फैक्ट्स का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा ऊपर आप लिंक देख रहे होंगे उस पर क्लिक करें और सोल फैक्ट्स आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है वो मैंने इन डिटेल पढ़ा है यहाँ मैं एक्सप्लेन दोबारा नहीं करूंगी तो उन्होंने कहा रिलिजन को भी आप सोशल फैक्ट ही समझो ये कोई सुपरनैचुरल फिनोमिना नहीं है मैं आपको साइंटिफिकली आपको समझाऊंगा कि रिलिजन की जो एक्सप्लेनेशन है वो दूंगा तो उन्होंने नेगेट किया थ्योरी जैसे टेलर्स की टेल टायलर की एनिमिस्टिक थ्योरी को या जो मैक्स मुलर का नेचर मिथ का कॉन्सेप्ट है नॉन सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन थी ये क्योंकि एक सुपर नेचुरल फिनोमिना की तरह तो रिलीजन को ट्रीट करती थी इन डिटेल हम ये रिलीजन चैप्टर में पढ़ेंगे ये थियोरीज यहाँ आपको थोड़ा बता दूँ देखो अनिमा होता है सोल या स्पिरिट तो इनका टाइलर का मानना था हर चीज चाहे वो एनिमेट हो या इन एनिमेट हो उसमें एक सोल होती है एक स्पिरिट होता है ठीक है और मैक्स मैक्समोलर का मानना था नेचर मिथ का कॉन्सेप्ट इन इन्होंने कुछ नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन किया था इन टर्म्स ऑफ रिलीजन फॉर एग्जाम्पल जैसे बाहर बारिश हो रही है काफी ज्यादा स्टॉम आया है दैट मीन आपका गॉड आपसे नाराज है तो उस स्टॉम को किसी एक गॉड से रिलेट किया जैसे हिंदुइज्म में आपका इंदिरा गॉड है इंद्र देवता इनको आप गॉड ऑफ शायद गॉड ऑफ रेन बोलते हैं ठीक है तो उसको रेन के साथ एसोसिएट कर दैट मीन्स एक नेचुरल फिनोमिना को आप रिलीजन के किसी एक आस्पेक्ट एक एंगल के साथ एसोसिएट कर रहे हो तो ये आ, ये बेस्ड था किस पे नेचर में फिनमिना पे मैक्स मुलर इनफैक्ट ही वॉज इंस्पायर्ड बाय संस्कृत एंड हिंदुइज़्म सो मच सो दैट ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड हिज निक नेम इट वॉज मोक्ष मुला ठीक है तो ये आप इन चीज़ों को इंदुरखेम ने नेगेट किया और उन्होंने कहा ये क्योंकि एक सोशल फैक्ट है तो मैं आपको एक सोशलॉजिकली इसको एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने कि रिलीजन होता क्या है अब उन्होंने इसके लिए जो आइडिया था वो किस में लिखा था एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ फाइन ये अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और अगर अपने आंसर्स में आप किसी इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम लिखेंगे तो आपके सिविल सर्विसेज के लिए भी अच्छी बात रहेगी लेकिन जो नेट वाले हैं वो खासकर ये चीज़ें याद करें और साथ साथ नोट डाउन भी किया करें उन्होंने डिफाइन किया रिलीजन को देखो हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं क्रिस्प डेफिनेशन है एग्जाम में आप लिख सकते हो इसीलिए समझना जरूरी है और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी है उन्होंने रिलीजन को कहा यह एक यूनिफाइड है सिंगल मॉरल कम्युनिटी ठीक है अब इसमें कुछ की वर्ड्स है जो हम देखते हैं एक सिस्टम है ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिस बिलीफ क्या हुआ रिलीजन में कोई जैसे आपका कोई बिलीफ है रिलीजन को लेके फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंदुइज्म में है वो बीफ कंज्यूम नहीं करते हैं क्योंकि वो काव वर्शिप करते हैं मुस्लिम्स में वो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं तो ये क्या है ये आप बोल सकते हो कोड है उनके रिलीजन के कुछ एथिकल कोड्स हैं जो वो नहीं तोड़ेंगे तोड़ना पसंद करेंगे फाइन और प्रैक्टिस हैं जैसे आपके रिलीजन की कोई प्रैक्टिस होगी कोई टेम्पल जाता है कोई मॉस्क जाता है कोई घर में आ, ये जो है अपनी प्रेयर्स वगैरह है वो करता है तो एक रिलीजन में कुछ प्रैक्टिसज भी होंगी फाइन कुछ रिचुअल्स राइट्स होंगे तो इन्होंने कहा ये जो रिलीजन uh, है बेसिकली वो सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस का ही है जो सेक्रेट थिंग्स से रिलेटेड है तो इनके लिए uh, बीफ या काउ बीफ ना कंज्यूम करना काशिप करना ये एक सेक्रेट चीज है दैट इज टू से थिंग्स सेट अपार्ट एंड केप्ट फॉरबिडन सेट अपार्ट एंड केप्ट फॉरबिडन अब देखो क्यों सेक्रेट चीजें वो होती हैं थिंग्स दैट वी सेट अपार्ट एंड केप्ट फॉरबिडन क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई होली बुक है आपके रिलीजन की होली बुक है ठीक है आप जहां अपनी नॉर्मल बुक्स रखते हैं आप वहां पे उनको नहीं रखेंगे आप किसी सेफ जगह पे जहां पे आपने अपना मंदिर बनाया होगा या जहां पे आपकी रिलीजियस बाकी बुक्स होंगी वहां पे किसी एक अच्छी जगह अलमारी में आप वो रखेंगे ठीक है क्योंकि सेट अपार्ट एंड कप्ट फॉर्वर्ड आप उनको अपनी नॉर्मल बाकी चीज़ों से मिक्सअप नहीं कर सकते क्योंकि आपके लिए वो वैल्यूबल है आप उनको वैसा ही वैल्यू करते हैं तो उसको उन्होंने कहा था सीक्रेट थिंग्स तो यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस रिलेटेड टू सीरेट थिंग्स दैट इज सीक्रेट थिंग्स क्या हुई थिंग्स सेट अपार्ट एंड कैप्ट फॉर्म In, कुछ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस जो उनको ইউনাইट करते हैं इनटू अ सिंगल मोरल कम्युनिटी अब सारे जो मुस्लिम्स uh, हैं या हिंदूस हैं या सिखों हैं उनके जो भी बिलीव्स हैं उन प्रैक्टिसेस हैं फॉर एग्जांपल वो गुरुद्वारा में सारे जाते हैं या मॉस्क सारे जाएंगे या टेंपल सारे जाएंगे या प्रेयर्स जो हैं सेम प्रेयर्स सारे जो हैं वो करेंगे तो उससे वो क्या हो जाते हैं एक मोरल कम्युनिटी में बन जाते हैं तो उनके लिए ये उनको यूनाइट करता है मॉरल कम्युनिटी किन लोगों को जो अडियर टू देम फॉर स्टिक टू देम अब रिलीजन से निकल के कोई एथ बन गया ठीक है तो वो उस मॉरल कम्युनिटी का पार्ट नहीं रहा ना तो ये इनकी इस डेफिनेशन का मतलब हुआ ये डेफिनेशन मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन क्यों की क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आप ये डेफिनेशन ऐसे ही लिख के आएंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू आई होप ये क्लियर हो गई देखो अब कुछ की पॉइंट्स हैं इनके रिलीजन थियरी के जो हमें यहाँ पढ़ समझना जरूरी है पहले हमने अभी हमने सिर्फ सैकड़ का थोड़ा देखा इन्होंने क्या कहा था इन्होंने इनका जो की कॉन्सेप्ट है रिलीजन का वो सेक्रेड एंड प्रोफेन इन्होंने दो टर्म्स हमें दी थी सीक्रेड एंड प्रोफेन ठीक है सीक्रेड मैंने आपको बोला थिंग्स सेट अपार्ट एंड केप्ट फॉरबिडन जैसे आपकी रिलीजियस बुक हो गई या आपने मंदिर बनाया जिन आइडल्स की आप वर्शिप करते हैं वो आइडल हो गया या आपका प्रेयर मैट हो गया ठीक है वो सारी चीजें आपके लिए सीक्रेड है अब डेली चीजें आपके लिए प्रोफेन जो आपके लिए सीक्रेड नहीं जैसे ये पेन है मेरे सामने लैपटॉप है ये प्रोफेन है क्योंकि ये नहीं है तो इन्होंने हमें दो की दिए थे ठीक है अपने रिलीजन थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए तो इन्होंने कहा था वो जो सेक्रेट से रिलेटेड है वो

वही आप इसका मतलब वो बिलीव एंड प्रैक्टिस रिलेटेड टू सीक्रेट थिंग्स जो आपको यूनाइट करते हैं इनटू अ सिंगल मॉरल कम्युनिटी तो आप डेफिनेशन से ही समझ रहे हो इन्होंने एक पॉजिटिव वे में रिलीजन को प्रेजेंट किया था ठीक है और प्रोफेन आपकी बाकी से मेरे हाथ में पेन है ये लैपटॉप है ये सारी आपकी जो सीक्रेट नहीं है वो आपकी प्रोफेन चीजें हैं तो दुर्खेम ने कहा बिलीफ जो है सिस्टम ऑफ आइडियाज विच एक्सप्लेन द सीक्रेट जैसे आपके मिथ हो गए या स्पिरिचुअल आइडियाज या एथिकल कोड जो मैंने अभी आपको अल्कोहल और बीफ की एग्जाम्पल दी प्रैक्टिसज वो राइट्स और रिचुअल्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं इंडिविजुअल्स बिहेवियर टुवर्ड्स द से सीक्रेट ठीक है sacred, हमारा क्या बिहेवियर है उस चीज़ की तरफ वो प्रैक्टिस जो हम एक्चुअली में करते हैं परफॉर्म करते हैं आपकी सीक्रेट चीज़ है आपका होली बुक और आपका प्रैक्टिस क्या है उसकी तरफ आप उसकी रेस्पेक्ट करते हैं उसको पढ़ते हैं होली बुक फिर उसको संभाल के रखते हैं वो आपका प्रैक्टिस या राइट एंड रिचुअल हो गया उस सेक्रेट चीज़ को लेके ये दो चीज आपके जो राइट्स होते हैं या रिचुअल्स होते हैं है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव राइट्स जो होते हैं ब्रिंग्स इंडिविजुअल एंड सीक्रेट टुगेदर जैसे आपकी वर्शिप हो गई एक वर्शिप में क्या होता है जैसे कि मुस्लिम्स नमाज पढ़ते हैं तो कांग्रेगेशन में पढ़ते हैं पीछे इतनी सारी लाइंस होती हैं जो आगे इमाम के पीछे नमाज पढ़ रही होती हैं तो दैट मीन्स वो आपको टुगेदर रखती हैं या एक मंदिर में जाके आप पूजा करते हैं या कोई भी हवन करवाते हैं तो सारी फैमिली इकट्ठे बैठ के वो हवन करवाती है ठीक है तो वो आपको बाइंड करके रखती है नेगेटिव राइट्स मीन्स आप जैसे फास्ट करते हैं तो वो आपको कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस क्रिएट करती है लोगों के बीच में जब आप फास्टिंग करते हैं आप ज्यादा बात नहीं करते हैं गैदरिंग्स में जाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि आपकी बॉडी वीक होती है या आप सेक्रीफाइस वगैरह परफॉर्म करते हैं तो ये आपके नेगेटिव राइट्स हुए दीज आर डिफिकल्ट टू परफॉर्म ठीक है जो नेगेटिव वाले राइट्स होते हैं सेक्रीफाइस करना या फास्टिंग वगैरह करना हिस्स कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन जो है अभी तक इतना क्लियर हो गया सीक्रेड क्या होता है रिलीजन के बेसिक डेफिनेशन रिलीजन को क्या समझते हैं बिलीफ प्रैक्टिस वगैरह क्या होता है और उन्होंने रिलीजन को सिस्टमैटिक व्यू ऑफ सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है उनका रिलीजन का वो इस इसपे बेस्ड है फंक्शनलिस्ट ने क्या बोला था सोसाइटी को ये एक सिस्टम की तरह मीन एक पैटर्न एक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो कनेक्टेड है इंटरकनेक्टेड पार्ट से और हर पार्ट पूरी सोसाइटी की सॉलिड स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है हर पार्ट पूरी सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल रिलीजन ये एक पार्ट है या इन्होंने तो सुसाइड को भी बोला था कि ये भी कुछ अमाउंट ऑफ सुसाइड भी सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है या आपका फैमिली एक पार्ट हो गया या आपका इकोनॉमी एक पार्ट हो गया ठीक है तो हर पार्ट जो है वो इंटर inter इंटरकनेक्टेड उस तरीके से है हर पार्ट ओवरऑल सोसाइटी की फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है आप जैसे इसमें से आप रिलीजन ठीक है अलग अलग पार्ट्स बनाए इसमें से आप एक पार्ट को गायब कर दो तो टोटल सोसाइटी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी वो के ऑस मच जाएगा कॉन्फ्लिक्ट मच जाएगा सोसाइटी की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी दैट मीन्स ये जो इंटरकनेक्टेड हैं ये पार्ट्स ये ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है इसकी एनालॉजी किसे ड्रॉ की थी एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म से वो अगर हार्ट पंप करना ब्लड बंद कर दे तो बाकी ऑर्गन भी बैठ जाएंगे वो एक एनालॉजी उन्होंने ड्रॉ की थी वहां से ठीक है तो इन्होंने सिस्टमैटिक व्यू ऑफ सोसाइटी पे बेस्ड है इनका थॉट अकॉर्डिंग टू हिम सोसाइटी जो है दो पार्ट्स हैं इसमें सेक्रेड एंड प्रोफेन ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया सीक्रेट सेट अपार्ट एंड फॉरबिडन ये क्या होता है ये भी हो गया सीक्रेट रेफर्स टू ऑल द थिंग्स विच आर कनेक्टेड टू सुपर नेचुरल और डिवाइन ठीक है और प्रोफेन आपका हो गया थिंग्स अपार्ट फ्रॉम सेक्रेट जिसमें मैंने आपको कहा पेन लैपटॉप वगैरह इसमें डे टू डे थिंग्स आती हैं जो पीपल यूज करते हैं इन देयर लाइफ सेक्रेड एंड प्रोफेन आर टू वर्ल्ड्स अपार्ट एंड बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक दूसरे से वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ठीक है ये हो गया इनका एक कोर कॉन्सेप्ट रिलीजन का वो क्या है सीक्रेड एंड प्रोफेन फाइन जो कोर कोर कॉन्सेप्ट है ये आप साथ साथ नोट डाउन करे जाओ ये जब लास्ट में आपको नोट मेकिंग का बताऊंगी तो वहां पे काम आएगा ये आइडिया ठीक है सीक्रेड प्रोफेन हो गया उन्होंने कॉजअल एक्सप्लेनेशन दी रिलिजन की और मेथड यूज किया इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन की क्या कॉज एंड इफेक्ट थ्रू उन्होंने अपनी रिलीजन थियरी को एक्सप्लेन किया वो कैसे किया वो हम आगे देखेंगे मॉडर्न रिलिजन जो है वो कॉम्प्लेक्स एंड फुल ऑफ वेरिएशन है तो कॉज एंड इफेक्ट वो लिंक करने के लिए उन्होंने एक सिंपल सोसाइटी सिंपल फॉर्म्स ऑफ रिलिजन जो है उसको एक्सप्लेन किया क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज को वैसे पहले एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे इफ द कॉज सिंपलर फॉर्म बट एट दिपल फॉर्म ऑफ रिलीजन रिलीजन है, है इसका दूसरा कोर कॉन्सेप्ट इनकी थियोरी का है टोटम वर्शिप या टोटमिज्म करते हैं बुक सर ने क्या लिखा है बुक पे अब देखो इन्होंने क्या कहा मेरी बात सुनो रिलीजन जब कोई प्रेयर होती है जैसे प्रेयर मीट हो गया जैसे आपने कोई हवन रखवाया है या कोई फेस्टिवल है ठीक है तो उसमें क्या होता है सारे लोग एक साथ मिले मिलते हैं वो रिलीजन परफॉर्म करने के लिए तो कुछ टाइम के लिए क्या होता है लोग जो आपस की उनके रिवेंज की फीलिंग है या किसी के साथ किसी नहीं बनती है वो साइड में रखते हैं तो एक एनर्जी वाला माहौल होता है क्योंकि सारे इकट्ठे होते हैं पूरी सोसाइटी इकट्ठे होती है पूरी फैमिली इकट्ठे होती है तो लोगों को मजा आता है एक काइंड ऑफ पीस आपको एनवायरमेंट से मिलता है जहाँ पे कोई प्रेयर मीट हो कोई फेस्टिवल हो ठीक है कोई गैदरिंग हो जहाँ सारे इकट्ठे हों तो ये फीलिंग लोगों को काफी पसंद थी ये वाली फीलिंग तो जब वो प्रेयर फेस्टिवल वगैरह खत्म हो जाता है फिर लोग वापस से अपनी डेली लाइफ में बिजी हो जाते हैं अपने काम में तो वो लोनली वाली फीलिंग फिर से आती है तो वो वाली फीलिंग ऑब्वियसली किसी को पसंद नहीं आएगी तो जो हाईटेंड वाली फीलिंग थी इसको इन्होंने कलेक्टिव एफर्ट बोला ठीक है ये कलेक्टिव एफर वाली फीलिंग जो सबके साथ रहने की वजह से वो एक एनर्जी वाला माहौल आता है फिर उसके बाद क्या होता है सब लोग जब अलग अलग हो गए फिर से वो लोनली वाला माहौल आ गया तो उस एनर्जी वाले माहौल को अब ऐसा तो नहीं हो सकता एनर्जी वाले माहौल के लिए आप हमेशा साथ रहें हर दिन आपका कोई फेस्टिवल हो कोई गैदरिंग हो कोई फंक्शन हो वैसा नहीं हो सकता है ना तो उस एनर्जी वाले माहौल को कंटिन्यू करने के लिए इन्होंने क्या किया एक ऑब्जेक्ट बनाया एक आइडल बनाया ठीक है एक आइडल बनाया अब क्या हुआ उस आइडल से वो फीलिंग लेने लगे कि जब वो आइडल सामने हो तो उनको वही फीलिंग आती हो जो उस गैदरिंग में आती हो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपना आइडल बनाया एक लीफ को ठीक है कि हम जो है ये हमारा टोटम है ये लीफ ठीक है इसकी कोई एक स्पिरिचुअल वैल्यू है तो ये लीफ एक क्लैन क्लैन मीन्स क्या होता है जब जहां पे बो नंबर ऑफ सोशल ग्रुप या फैमिलीज खुद को लिंक करते हैं एक कॉमन एनसिस्टर से वो एक मिथिकल एनसिस्टर हो सकता है फॉर एग्जांपल लीफ कि हम सारे या स्नेक कोई क्लैन होते हैं वो स्नेक के साथ खुद को रिलेट करते हैं कि ये हमारे एनसिस्टर रहे हैं हम इन्हीं से आए हैं ठीक है हम इन्हीं की प्रजाति है काइंड kind ऑफ of. तो वो उस स्नेक से वो जो सारी फैमिलीज है रिलेट करेंगी तो अगर वो दस फैमिलीज हैं जो उस स्नेक को अपना मिथिकल एनसिस्टर मानती हैं उन दस फैमिलीज के घर में वो स्नेक है ठीक है अब क्या होता है कि आप उनको दस फैमिलीज को हर बार इकट्ठे मिलने की जरूरत नहीं है वो दस फैमिली के घर में स्नेक है उस स्नेक से वो फीलिंग डराइव कर सकते हैं उस स्नेक को देख के उसके सामने बैठ के कोई पूजा पाठ करके उनको वो फीलिंग आती है वही एनर्जेटिक वाली जो फीलिंग दस फैमिली के साथ रहने से आती थी क्योंकि आप हर टाइम साथ नहीं रह सकते थे तो उन्होंने अपना एक टोटेम्प बनाया वो टोटेम्प क्या है वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है कोई चीज हो सकती है प्लांट लीफ हो गया ठीक है या कोई स्नेक जैसे मैंने कहा ऐसी कोई चीज है किसी ने ये बना दिया कि ये जो लीफ है ये हमारा ये टोटेम हमारा यही है तो जिस जिस घर में वो लीफ उन्होंने रखा या जिस जिस घर वो क्लैन का जो पार्ट थे उन्होंने बोला ये हमारा मेथिकल एंसेस्टर है और उस लीफ से उन्होंने डराइव की वही कलेक्टिव कलेक्टिवेंस वाली फीलिंग जो उनको गैदरिंग से आती थी तो वहाँ से आपका रिलीजन आया तो अगर आप इस पर थोड़ा गौर करेंगे आप देखेंगे ये कि इन्होंने सोसाइटी को इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी एज योर रिलीजन क्योंकि बेसिकली सोसाइटी में क्या होता है सारे इकट्ठे वो वगैरह तो उस फीलिंग को कंटिन्यू रखने के लिए इन्होंने रिलीजन को बनाया तो रिलीजन मैन मेड हो गया ना रिलीजन को किसने बनाया फिर सोसाइटी के उस लोगों ने उस फीलिंग को कंटिन्यू रखने के लिए तो ये इनका टोटम वर्शिप वाला कॉन्सेप्ट था जो हम यहाँ पे अभी देखेंगे इन्होंने कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट ऑन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन दैट इज टोटमिज्म और ये इन्होंने कहा गया ऑरेंटा ट्राइब्स में जो ऑस्ट्रेलियन थे ठीक है इन विच टोटम्स आर वर्शिप वहाँ टोटम को वर्शिप करते थे वहां पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि क्यों ये टोटम को वर्शिप कहाँ से जो है वो स्टार्ट हुई दुर्खेम ने कहा टोटेम इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लैन एट सेल्फ क्लियर हो गया क्लैन से कैसे ही ड्रू दिस एनालिसिस फ्रॉम द स्टडी ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस द ऑस्ट्रेलियन एबॉरिजिन इफ द कॉज ऑफ टोटेम इज एस्टैब्लिश द सेम विल बी द कॉज ऑफ मॉडर्न रिलीजन मॉडर्न रिलीजन में इन्होंने हिंदुइज्म के आइडल वर्शिप को इससे रिलेट किया प्रिमेटिव मैन जो थे, दे वर वॉन्डर एंड कीप ऑन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लेकिन ओकेजनली दे यूज टू कम टुगेदर फॉर सम परपज और इंटरेक्ट करते थे उन ओकेजन पे तो दे फेल डिफरेंट ये फीलिंग डिसअपेयर होती थी सेपरेटेड इंडिविजुअल्स हुए एक्सपीरियंस द हाइट एंड एर्नर्जी ऑफ सोशल फोर्स इन गैदरिंग ऑफ द क्लान शॉर्ट सम एक्सप्लेनेशन फॉर दिस स्टेट उनको था कि अब हमें एक्सप्लेन भी एक्सप्लेनेशन चाहिए क्यों हमें ऐसी फीलिंग आती है इकट्ठे रहने से और अलग रहने से और डिप्रेसिव फीलिंग क्यों आ जाती है ठीक है अकॉर्डिंग टू प्रमेटिव लॉजिक उन्होंने एक्सप्लेन किया अच्छा ये फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि कोई सुपर फोर्स होता है जब हम इकट्ठे होते हैं फिर उस सुपर फोर्स को उन्होंने रिप्रेजेंट किया उस टोटम से बट अकॉर्डिंग टू दुर्खेम ये गैदरिंग ही थी जो रियल कॉज था एंड इट वॉज अस ऑफ सोशल फोर्सेज ठीक है अब दुर्खेम का क्या मतलब था? था कहने का कि कोई सुपर नेचुरल फोर्स नहीं था वो फीलिंग ऑफ जो कलेक्टिव है वो क्यों आता था वो गैदरिंग से ही आता था वो सोसाइटी के इकट्ठे रहने से आता था ठीक है दिस फीलिंग एज अ स्टेट ऑफ और दी कलेक्टिव दैट इज दाइटेंट फीलिंग ऑफ एनर्जी जनरेटेड इन कलेक्टिव गैदरिंग इट टेक्स इंडिजुअल अवे फ्रॉम दी कंसर्स ऑफ प्रोफीन सोशल लाइफ टू एटेड इन विच दे फील एज एफ देर इन कॉन्टेक्ट विदायर फोर्सेस ठीक है इतना क्लियर हो गया

इज न सोसाइटी इट सेल्फ दिस फीलिंग वॉज ड्यू टू द फीलिंग ऑफ बिंग टूगेदर वॉज इन स्टेट इंटरप्रटेड एज सीक्रेड ठीक है तो वैसे करके रिलेशन क्रिएट हुआ ये जो फीलिंग थी इकट्ठे रहने की जो फीलिंग आपको आती थी वो फीलिंग आप आप को इंटरप्रेट किया फीलिंग को किए कोई सीक्रेड सुपर नेचुरल फोर्स है तो फिर वो फीलिंग में आप हमेशा रहो क्योंकि हर टाइम ऐसी गैदरिंग नहीं हो सकती उस फीलिंग के साथ आप हमेशा रहो इसलिए आपने टोटेम बनाया फिर टोटेम के आसपास इकट्ठे हुए तो अगेन आपको वो फीलिंग आती रही ठीक है तो उन्होंने टोटम को कहा कि इट इज अ सिंबल ऑफ़ कलेक्टिविटी या सिंबल ऑफ सोसाइटी इट क्योंकि रिप्रेजेंट करता है उन सोशल फोर्सेस को वो एनर्जी को वो फीलिंग को विच आर फेल्ट बाई इंडिविजुअल एट दी सोशल गैदरिंग्स ठीक है ये इन्होंने क्या कहा वर्शिप के बारे में सोशल ऑब्लिगेशन जो है दे आर रिप्रेजेंटेड इन सेक्रेट टर्म्स एंड ट्रांसफर्म इन टू रिलीजियस ड्यूटीज ठीक है तो जो भी सेक्रेट जो सोशल सोशलिगेशन सोसाइटी पुट करती है उसको उन्होंने सेक्रेट टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं लोग और अल्टीमेटली वो एक रिलीजियस ड्यूटी बन जाती है जैसे मैरिज मैरिज एक सोशल ऑब्लिगेशन उसको रिप्रेजेंट करने लगे ऐसा ऐसा सेक्रेट टर्म्स में और वो अल्टीमेट रिलीजियस ड्यूटी बन गई फाइन उसके बाद इन्होंने कहा कि हो सकता है लोग ये पूछें कि लोग लोगों को टोटेम की क्या जरूरत पड़ी लोग सीधे सोसाइटी को ही क्यों नहीं वर्शिप करने लगे तो टोटेम एक सामने एक आइडल है उनके तो वो उसकी वर्शिप करना इजी है एस कम्पेयर टू तो सोसाइटी जो आप ऐसे टच नहीं कर सकते सोसाइटी को सोसाइटी को उठा के आप अपने घर में नहीं रख सकते सोसाइटी एक जेनरिक टर्म है जो ग्रुप लोगों के कम्युनिटी को डिस्क्राइब करता है फाइन तो इसीलिए टोटेम के साथ वो डायरेक्टली एसोसिएट कर पाए इन्होंने इसी लॉजिक के साथ आइडल वर्शिप इन हिंदुइज्म को भी एक्सप्लेन किया बाकी फंक्शनल थियोरी की तरह उन्होंने रिलीजन को भी फंक्शनल टर्म्स में देखा ही सीज रिलीजन ऑल्सो एज ए सोशल फैक्ट ये भी एक सोशल फैक्ट है और रिजेक्ट किया फिलोसॉफिकल या साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन प्योर आपको रिलीजन की देर आर ऑल्सो इन नेचर ऑफ मॉरल कोड्स विच ईच मेंबर फॉलोस ठीक है ये आपके रिलीजन दिस बाइंड सिंगल कम्युनिटी और इंटीग्रेट करता है उनको देम टुगेदर एंड दी दे फील कंफर्टेबल लिविंग टुगेदर उसने उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया फंक्शन थ्रू हिज आइडिया ऑफ सिमिलैरिटी रिलिजन बिकम्स फॉर सिमिलैरिटी एंड दस ब्रिंग्स पीपल टुगेदर क्योंकि सारे लोग सेम चीज को मानते हैं तो उन लोगों में यूनिटी आ जाती है और उनको एक कम्युनिटी में वो फाइंड करती है मॉडर्न सोसाइटी लोग हाईली और डिफ्रेंशिएटेड है रिलीजन परफॉर्म्स ए फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टूगेदर ठीक है उनकी जो थ्योरी ऑफ रिलीजन है वो सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट डेमोन्स्ट्रेट्स दट एनी सब्जेक्ट दैट कैन बी अप्रूव फ्रॉम ए सोशलॉजिकल ऑब्जेक्टिव उन्होंने डिमिस्टिफाई किया सब्जेक्ट ऑफ रिलीजन को और एनकरेज की इसकी एम्पेरिकल स्टडी दैट मीन उन्होंने कोई मिस्टेक या वैसी एक्सप्लेनेशन नहीं दी उन्होंने बिल्कुल एक साइंटिफिक एक एम्पेरिकल स्टडी की तरह उन्होंने एक जो कोर कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी है उसको एक्सप्लेन किया ये आपको ये भी बताता है कि कैसे आप मेथडोलॉजी साइंटिफिक मेथडोलॉजी से हर आस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि बेसिक एक फंक्शन पॉजिटिविस्ट स्कूल को बिलोंग करते थे जो कहते थे सोशोलॉजी को ट्रीट करो आप एज नैचुरल साइंस की जैसे स्टडी करते हो वैसे ही आप सोशलॉजी की भी स्टडी करो ठीक है क्रिटिसिज्म और मैक्स uh, वेबर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अभी मैं आपको थोड़ा नोट मेकिंग का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था लास्ट में हम नोट मेकिंग को डिस्कस करेंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ uh, अब मेरे वीडियो से देख के आप या कोई भी इन जनरल नोट्स आप कैसे बना सकते हो अब देखो नोट मेकिंग बेटर रहेगी अगर आप ए फोर शीट्स पे करोगे अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया क्योंकि उसे एडिशन जो है आपको कुछ वैल्यू एड करना होगा अपने नोट्स में वो ईजी हो जाता है अगर नोटबुक पे भी कर रहे हो तो हर टॉपिक के बाद दो तीन पेजेस छोड़ ले छोड़ देना ताकि जहाँ पे आप अपना कुछ करंट का अगर किसी भी सब्जेक्ट में करंट का कोई मटेरियल बीच में ऐड करना हो करंट की इंफॉर्मेशन या और कहीं से आप कोई आ, कोई और बुक कंसल्ट कर रहे हो वहाँ से कोई अपना रिसोर्स जो है उसमें एडप्ट करना चाहते हो वो आप ईजी कर पाओ क्योंकि बाद में काफी क्लमजी हो जाता है और लास्ट मोमेंट पर रिविजन काफी डिफिकल्ट हो जाता है देखो आपने वीडियो देख लिया समझ लिया आई वुड सजेस्ट कि वीडियो देखने से पहले आप वंस गो थ्रू द चैप्टर जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि मैं आपको पहले ही बता देती हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे जैसे हम क्रिटिसिज्म डिस्कस करने वाले हैं तो इफ आर सीरियस इनफ आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया गो थ्रू द क्रिटिसिज्म वंस और वेबर अभी हमने नहीं पढ़ा है बट हमने बेसिक सोशोलॉजी स्टार्ट कर लिया है इट वोट बी दैट मच डिफिकल्ट टू द बेसिक आइडिया ऑफ वट वेबर इज सींग यू कैन गो थ्रू मैक्स वेबर एंड मैक्स वेबर के स्टार्टिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट एंड क्रिटिसिज्म अब आपको कुछ ना कुछ दिमाग में तो अगर सारा समझ में नहीं आया लेकिन कुछ रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद वीडियो देखे थिंग्स विल गेट क्लियर ठीक है फिर अगर आपके सामने ई बुक है या अगर आप अपनी जो है हार्ड कॉपी से पढ़ रहे हैं अगर ई बुक है आई वुड सजेस्ट आप जो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करें ठीक है जोडो डॉक्यूमेंट्स में आप अपना पी डी एफ खोलें उससे क्या हो जाता है वहाँ पे उसमें काफ़ी ऑप्शन होते हैं हाईलाइट वगैरह आप अच्छे से कर सकते हो बाद में आ, अगर आपको लिंक करना हो एक पेज को दूसरे पेज के साथ कि अगर आप चाहते हो आप हंड्रेड नंबर पेज से डायरेक्टली थाउजेंड नंबर पेज पे जाओ ठीक है तो वहाँ पे आप लिंक बना सकते हो इसमें डायरेक्टली जाने के लिए आई डोंट नो बाकी रीडर्स में भी होगा कि नहीं होगा शायद पर जोडो मुझे काफ़ी यूजर फ्रेंडली लगता है तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं तो आप अपना डॉक्यूमेंट खोल लिया तो जो लाइन में पढ़ा रही हूँ या जो मैंने हाईलाइट या अंडरलाइन की है और आप समझ गए हैं तो उसको आप साथ साथ हाईलाइट कर सकते हैं वो चाहे बुक पे करें या आप अपने अगर आप लैपटॉप से टैब से पढ़ रहे हैं अपने जोरो डॉक्यूमेंट्स पे पीडीएफ पे ऑनलाइन अपने ई पीडीएफ पे वो उस उसको आप हाईलाइट करेंगे तो दिमाग में रजिस्टर्ड भी हो रहा है वीडियो देख के और अगर आपने पहले एक बार पढ़ लिया फिर ज्यादा अच्छे से वीडियो और समझ में आएगी और साथ में इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं ठीक है अब चाहते हैं देखो राइटिंग काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेन और हैंड का कनेक्शन है जो आपने खुद से लिखा होगा आई अश्योर यू यू वोट फुगेट दैट लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कुछ याद रखना चाहते हैं ऑब्वियसली टू ईच इज ओन अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं दैट इज अ सेकेंडरी चीज़ मैं आपको एक जनरल व्यू बोल रही हूँ फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंगली जो है मॉडिफाई कर सकते हैं अब आपने कर लिया अब फॉर एग्जाम्पल इतना कम हो गया सेकेंड स्टेप इज अब आप दुरखेम हमने आज पढ़ा अब आपको इसके नोट्स बना रहे हैं तो आप क्या करोगे दुरखेम हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसकी डेफिनेशन एज इट इज़ जो थी वो आप यहाँ लिखोगे और क्या क्या कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट देखो दुरखेम जहाँ पे है स्टार्टिंग में आपने लिख दिया होगा कि फंक्शनल स्कूल से बिलोंग करते हैं वगैरह वगैरह ये आपके हर क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन बन सकता है दुरखेम का या अगर आप एक इंट्रोडक्शन ही बनाओ दो चार लाइनों का दुरखेम का चाहे दुर्खेम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें आप इंट्रोडक्शन जो है वो ऑलरेडी अपने नोट्स में बनाओ कि ये पैराग्राफ में इंट्रो स्टार्ट करूंगा जिसमें थोड़ा दुरखेम का होगा कि किस स्कूल वगैरह को बिलोंग करते हैं तो एक डेफिनेशन हो गई इसके रिलीजन को लेके ठीक है फिर आपको लिखना है सीक्रेड एंड प्रोफेन डिटेल आपने वीडियो से समझ ली होगी और हाईलाइट भी कर लिया होगा यहां पे अगर आप एक दो लाइनों में हल्के हल्के की में लिखोगे सीक्रेड क्या होता है प्रोफेन क्या होता है फिर आपको होगा टोटेम वर्शिप यहाँ पे भी अगेन की में थोड़ा यहाँ पे ऐसे ऐसे करके दो तीन ड्रॉ करके कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं टोटेम हो गया क्लैन हो गया ठीक है कि आपको टोटेम वर्शिप में क्या आता है कलेक्टिव एफरवे हो गया ये टोटेम वर्शिप का हो गया उसके बाद जो हमने आ, हमने क्या पढ़ा फिर आगे हम क्या देखने वाले हैं इसका क्रिटिसिज्म या कहीं पे ये भी लिख सकते हो कि सोसाइटी जो है वो एक्चुअली मेजर रोल प्ले करती है रिलीजन में तो सोसाइटी सॉलिडारिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ने एक्सप्लेन किया फिर एक रिलीजियस रिलीजियस फिनोमिना से जैसे कि आपका सीक्रेड एंड प्रोफेन या वर्शिप तो ये पांच छह की पॉइंट्स है जो दुर्खेम के लिखा है तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे काफी कम मार्क्स मिलेंगे एक जेनरिक आंसर के लिए तो ये की पॉइंट जो आपके आंसर में आने ही चाहिए वो आप अपनी बुक पे नोट कर लोगे फाइन तो हर दो तीन दिन के बाद आपका रिवीजन होना चाहिए जब आपने एक हाईलाइट पोर्शन से देख लिया तो आप कि थोड़ी डिस्क्रिप्टिव uh, स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगी वहां पे कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था फिर आप आपने नोट्स में ये लिखा होगा तो जब आपका सेकंड रिवीजन चल रहा होगा या सेकंड थर्ड रिवीजन आप कर रहे हो साथ साथ रिवाइज कर रहे हो तो फिर आपके लिए डिस्क्रिप्टिव चीजें बार बार बुक खोलना वो काफी हेक्टिक हो जाएगा यहाँ पे आपने छोटा सा फ्लो चार्ट ऐसे टेबल जैसा बनाया हुआ है तो फिर यू कैन रेफर टू दिस टेबल कि हाँ ठीक है दुर्खेम आ गया डेफिनेशन लिखी फिर सेक्रेड प्रोफेन उसने कहा था सीक्रेड हो गई थिंग सेट अपार्ट एंड कैप फॉरवर्ड फिर प्रोफेन जो सेक्रेड नहीं है वो आपकी प्रोफेन होगी डेली यूज की थिंग्स फिर टोटे वर्शिपे उसमें क्या अच्छा और वाले थे टोटेम था क्लैन था एक मेथिकल इंसेस्टर होता है वो टोटेम एक ऐसा ऑब्जेक्ट है फिर सोसाइटी की सॉलिडरिटी उसके बाद उसका क्रिटिसिज्म के ये ये पॉइंट्स है तो ऐसे आपने शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें लिखी होंगी तो ऐसे आपका रिविजन जो है वो क्विक हो जाएगा एंड ईजी हो जाएगा फिर अगर आपको टोटम वर्शिप की कोई एक चीज याद नहीं आ रही होगी यू कैन रेफर टू अगेन योर डॉक्यूमेंट्स या बुक्स जहां पर आपने सारे बड़े बड़े पोर्शन को हाईलाइट किया होगा ठीक है पहले रिविजन में प्रॉब्लम हो सकती है बट एक ही रिविजन तो आपको नहीं करना है ना दो बार रिवाइज करोगे तीसरी बार जब खोलोगे फिर आपके लिए ये वाली जो चीज़ें हैं ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में लिखना इट विल कम हैंडी फाइन तो ये आपका रिविजन रिलेटेड हो गया नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका क्रिटिसिजम एंड वेबर का जो पार्ट है स्टार्टिंग का वो डिस्कस करेंगे इट विल भी गुड अगर आप पहले इसे थोड़ा देख के आएंगे तो डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो एंड शेयर विद य फ्रेंड्स बताई टेक कीव अ ग्रेट डे